क्या बात है, जुकाम हो गया? नहीं, मैं देख रहा हूँ क्या आपने मेरा परफ्यूम यूज किया है। अब आपके घर में रहेंगे तो आपके घर की चीजों का इस्तेमाल तो होगा। हाँ, लेकिन हम भी आपके घर में रहे मगर हमने आपके घर की कोई भी चीज का सदुपयोग नहीं किया। घर लगाया है। हाँ हेलो जान। हाँ कैसे? हाँ समझ रहा हूँ, रात भर सोई नहीं मेरी आज, उबासी आ रही, नींद आ रही, मुझे भी आ रही है। क्या करें, ड्यूटी है, करनी पड़ती है। हाँ भैया, अरे भैया से क्या डरना, वो कहावत नहीं सुनी तुमने, प्यार किया तो डरना क्या। हेलो सीमा, कोई नहीं है। मजाक करने की आदत गई नहीं इसकी। ए प्यारे मोन। दादाजी दादाजी, क्या है, चिल्लाने का नहीं, क्या है? दादाजी ऐसी खबर लाए हूँ कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कौन सा तीर मार कर आया, नौकर लेकर आया क्या? हाँ दादाजी नौकर लाया हूँ। अरे क्या बात करता है बेटे, कहाँ मिला तुझे, कैसा है वो, पकड़ के तीर लेगा वो? रास्ते में मिल गया था। हाँ। काम मांग रहा था, मैंने बातचीत कर ली, सिर्फ मैंने पैसे की बात नहीं की। अरे क्या बात है, क्या बात है, जा जा जाके बुला सबको, उनके लिए तो साक्षात भगवान आ गए। जा मम्मी डैडी चाचा चाची जल्दी आओ, नौकर आ गया। बाबूजी मैं क्या सुन रहा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? राजू, राजू नाम है मेरा। भैया इससे पहले कहाँ काम करते थे? अमित जी के यहाँ। किसके यहाँ? अमित जी बच्चन जी। अमित बच्चन, उनके यहाँ किसने लगाया तुमको? वो क्या है, किसी ने लगाया नहीं, वो श्री जी के पास शाम को चाय पीने के लिए आए थे। मैंने ऐसा चाय बना के पिलाया ना, मेरे को चुपचाप नीचे लेके गए, बोले 100 रुपए बढ़ा के देता हूँ, मेरे साथ चल। मैं भी चल दिया। How selfish. लेकिन श्रीदेव किया किसने लगवाया तुम्हें, बताओ ना यार। सलमान भाई ने। सलमान को भी जानते थे? हाँ, वो एक बार ना मैं धर्म जी के साथ शूटिंग करा था ना, तो साइड में जाकर रो रहा था, तो सलमान भाई बोले क्या को रो रहा है, तो मैं बोला क्या बोलने का साहब, इधर तो 50 आदमी है, 100 आदमी खाना बनाना पड़ता है। सच बात, और एक रोटी चल जाना, तीन तीन ही मैन मिलके इतना मारते है, वैसे दिल के सब हीरा है लेकिन भड़क जाए तो कुछ ठीक नहीं है। अच्छा धर्मेंद्र क्या तुमको किसने लगाया? अक्षय कुमार जी ने। और अक्षय क्या? वो हीरोइन का नाम मैं नहीं बताएगा। बराबर है, अब क्या है कि जमानत देने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जमानत देना चाहो तो किसकी दोगे? नहीं नहीं जमानत वमानत में कुछ नहीं दे सकता। अच्छा। हूं। आप लोगों को रखना है काम पे तो रखिए, वरना माधुरी दीक्षित जी के घर से मेरे को खुल्ला ऑफर है। नहीं 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 यार, ऑफर है। मैं इसे जानती हूँ। बहन कैसे जानती? सुनो। हाँ जी। तुम वही हो ना जो सुभाष जी के यहाँ काम करते थे? कौन सुभाष जी? सुभाष घई, अरे मेरे ससुराल के पड़ोस में रहते थे, तुम वहाँ बर्तन नहीं करते थे? सुभाष घई जी, याद आया। कभी देखा आते जाते बिल्डिंग में? काम क्यों छोड़ दिया वहाँ? अभी क्या बोलने का, त्रिमूर्ति रिलीज हुई, सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। अरे कोई बात हुई। अच्छा ये चिट्ठी छोड़िए और मुझे बताइए कि यहाँ पर किचन कहाँ है? कहाँ खो गए तुम? अरे नहीं, वो सुबह सुबह एक पुलिस स्टेशन से फोन हुआ था, तब से बड़े बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। मैं जरा एक फोन कर लेता मेरी बहन के साथ प्यारे। छोड़ो ना, हम किसी को एक बार पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए। कोई आ जाएगा? कौन आएगा? माँ तो तुम्हारी हमेशा सोती रहती है और भाई तुम्हारा है नहीं। कहाँ जा रहे हो? और एक लड़की की इज्जत खतरे में है, भाग जा। अरे तुम? हाँ मैं। अरे तुम चोरों की तरह छत से क्यों आए? ये मेरा घर है। आजा 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 आजा। देखिए कि मेरा घर है, मैं छत से आऊँ, खिड़की से आऊँ, दरवाजे से आऊँ, तुमसे मतलब? तुमको मेरे पे शक होने लगा? शक नहीं कर रहा हूँ प्यारे, तो मैं तुम्हारी वर्दी की कसम, तो मेरी बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं। राम 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 राम, अभी तक तो मैंने कुछ उल्टा सुल्टा नहीं किया, मगर जिस तरह तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ उल्टा सुल्टा कर दूँ। क्या कर दोगे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको अपना साला बना दूँ। भैया मुझे चाय नहीं, दूध देना। अच्छा, और चाय किस किस को देना है? बाकी सबको। बाकी सब कौन कौन और कहाँ कहाँ रहते हैं? ऊपर लेफ्ट वाला चाचा चाची का, राइट वाला मेरा, और मेरे कमरे में मम्मी डैडी भी रहते हैं। अच्छा, वो सामने दादाजी का, और वो पपी चाचा का। अच्छा अच्छा, और कौन कौन रहता है यहाँ पे?
शनु हुआ भी आजकल यहाँ ही रहती है। ओ, और कौन रहता? और डिंबल दीदी। और कौन? और हाँ मीना दीदी। हाँ वो कहाँ है आजकल? वो आजकल कमरे में रोती रहती है। रोती रहती है? चलो मैं आ गया हूँ, आप नहीं रोएंगी। उनका कमरा कहाँ है? वो सीढ़ियों के बगल में। चल जा अभी, बोर मत करना तो नौकरी छोड़ दूंगा। हैदराबादी करारी खड़क छम छाए ले लो। मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ। क्या मेम साहब, ये क्या सुन रहा मैं आजकल? मैंने सुना है कि आजकल आप पलंग पे औंधे पड़े पड़े बहुत आंसुआ बहा रहे हो। ये 10 रुपए के फोटो के लिए 10-10 करोड़ रुपए के आंसुआ बहा रहे हो? अरे मैं तो कहता हूँ कि इस बेजान तस्वीर को फेंको और इस जानदार आदमी को गले लगा लो। तुम्हें ये खादिम सामने खड़ा है। कैसा लगा ये बदतमीज? क्या बोल रही तुम्हें? राज, तुम यहाँ? प्यारे अर्जुन सिंह, कैसा रहे तू? मेरे प्यारे, तू कैसा है? कितने दिनों के बाद मिले हम, गले नहीं लगोगे? हाथ नहीं मिला गया। आओ चलो बाहर चलकर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी अभी तो आए, चाय वाय तो पीने दीजिए ना। ये चाय नहीं पीते। मैं कॉफी पीता हूँ। क्या बताऊँ मेरे दोस्त प्यारे, तुमसे बैठकर बात करने के लिए मेरे दिल में कब से अरमान जग रहा है। जितने अरमान है सब बाहर चलकर पूरा कर लेते हैं। बाहर क्यों, यही बैठकर बात कर सकते हैं ना। आप इन्हें इतना चाहते हैं, पूरे घर में इन्हीं की फोटोस लगा रखी है। ये फोटो में ही अच्छे लगते हैं, घर में नहीं। नेहा बाहर चलते हैं। नेहा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? देखा आपने? देख रहा हूँ। इसी बात की शिकायत है मुझे, यहाँ लाकर कैद कर दिया, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुमको घुमाने के लिए बाहर ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी, ये केस मेरा है। ये हमारे बीच में तुम्हारा मेरा कब से हो गया? एक पुलिस ऑफिसर की मदद करना दूसरे पुलिस ऑफिसर का फर्ज है यार। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, इस केस को मैं हैंडल करूंगा। तुम इस केस को हैंडल करने के लिए तैयार हो? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि प्यार की गाड़ी में जब तक रजामंदी का हैंडल ना लगाओ तब तक गाड़ी ठीक से चलती नहीं है। क्या तुम इसे प्यार करती हो? शर्मा के मुंडी नीचे, यानी कि ग्रीन सिग्नल। क्या तुम इसे प्यार करते हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? नेहा तू निकल यार। नेहा नहीं जाएगी। क्या तुम इसे प्यार करते हो? क्या बकवास कर रहे हो? नेहा तू चल यार। नेहा नहीं जाएगी। क्या तुम इसे प्यार करते हो? क्या बकवास कर रहे हो? अरे बोल दो ना यार, वरना जिस तरह से उम्र हाथ से छूटती जा रही है उसी तरह से लड़की भी हाथ से छूट जाएगी यार। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, चाइनीज, तंदूरी चिकन, चाओ चाओ, मटन पाओ पाओ, एक साथ एक टेबल पर राजू के हाथ के बनाए हुए खाने का आनंद उठाइए। राजू हमारा खाना हमारे कमरे में ले आना। राजू हम लोग भी अपना खाना कमरे में ही खाएंगे। नहीं नहीं दादाजी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, इस घर में सब लोग एक साथ प्यार से रहते हैं मगर प्यार से एक साथ खाना क्यों नहीं खाते? अरे भैया कमरे में खाएंगे तो आराम से खा सकते हैं। अरे ताला रहा है, मेरे को ऐसे घर में काम नहीं करने का है। अरे राजू नहीं। अब तो इनके बाप को भी आना पड़ेगा। आओ निकम्मो टेबल पे आओ। राजू जब तुमने इतने प्यार से खाना बनाया तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं? आई 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 सब लोग आई आई। आओ भैया चलो। मुझे जल्दी से दे दो खाना, मैंने कल से नहीं खाया खाना। भूख लगी। खाना खा लो तबीयत बहल जाएगी, भूख जितनी भी हो टल जाएगी। खाना खा लो तबीयत बहल जाएगी, भूख जितनी भी हो वो टल जाएगी। अरे मोहन इंस्पेक्टर, क्या किया उसने? हम दोनों के दिल से खिलवाड़ किया है उसने, और एक तरफ उसे प्यार का झूठा नाटक किया और दूसरी तरफ मेरे साथ भी प्यार का नाटक करता रहा। हम दोनों को धोखा दिया है उसने। अभी बुलाते हैं प्यारे मोहन को। प्यारे मोहन। सर, सर आपने मुझे बुलाया सर। प्यारे मोहन, इनको पहचानते हो? नो सर। क्या? यस सर। ये प्यारे मोहन नहीं, ये तो अर्जुन सिंह है। अरे यही तो प्यारे मोहन है, अर्जुन सिंह तो हमारे भाई है। मर गए सर, आपकी वजह से सीमा मुझ पर शक कर रही है, कुछ कीजिए। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम अर्जुन नहीं प्यारे मोहन हो? शांत हो जाइए देवी जी, अभी के लिए तो ये झूठ बोला गया है। मेरी वजह से? हाँ मेरे कहने पर अर्जुन सिंह तुमसे प्यारे मोहन बनकर मिला था। मगर क्यों? इसलिए कि आपने रट लगा रखी थी कि प्यारे मोहन के सिवा आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मुझे बाद में तो बता सकते थे ना। मैंने बोला भी था ना बता दो। शट अप, मुझे झूठे आदमी से बात नहीं करनी है। अरे देखिए तो, और मुझे झूठे आदमी का साथ नहीं देना। हेलो, ये तो गई। प्यारे कुछ कीजिए सर, ऐसी सिचुएशन में आप हमारी कोई मदद। हाँ मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में हो जाना चाहिए गाना। ले लो बढ़िया मीठी कर रहा हो। पप्पी चाचा, कहीं कोई अटकान है क्या? अरे हाँ रे, कहिए तो मैं आपकी कोई मदद करूं। अरे म्यूजिक के बारे में तू क्या जाने बांगड़ू।
अरे किशोरदा के पास मैंने 2 साल अरे काम किया है रे, मैंने काम किया है। अरे यार एक ड्यूएट सॉन्ग बनाना है लेकिन धुन नहीं मिल रही रे। रोमांटिक है क्या? अरे बांगड़ू, अगर ड्यूएट है तो रोमांटिक तो होगा ही रे। मगर ऐसे गाने तो किशोर दा हमेशा कन्याओं के साथ बैठकर बनाते थे। अरे तो कन्या भी तो घर ही में है रे। कौन? मीना। अरे अपनी मीना मैम साहब। अरे हाँ हाँ मीना जी। अरे हाँ हाँ वो भी चलेंगे भैया। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप तबले पे मेरी संगत दीजिए, मैं बाजा बजाता हूँ। साधु साधु साधु। नीचे नीचे और तबला उठाइए और प्रणाम कीजिए। नमस्कार साधु। अरे जल्दी यार रे। आये बैठिए। क्या बात है पापी चाचा? देखिए मीना मैम साहब, मीना जी, मीना मैम साहब, खुली बात है, मैं आपका प्रेमी हूँ और आप मेरी प्रेमिका हो। नहीं, समझ लो समझ लो। और मेरा विलन बाप बीच में टांग अड़ा रहा है, यही गाने की सिचुएशन है रे। और मजेदार बात तो ये है कि इस चक्कर के बारे में हमारे बेचारे चाचा को भी कुछ नहीं मालूम, वो खुद तबले पर हमारा साथ दे रहे हैं। हाँ। है ना? हाँ साधो साधो। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। एक से बढ़कर एक है। गाड़ी आ रही, जाके भिड़ा दे। हाँ हाँ ठीक है भिड़ जा। ठीक हाँ, लेकिन जो सवाल का है, सवाल का है। तुम लूट लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख सवाल का है, तुम लूट लेना। हाँ लूट लेना बड़े। हाँ लूट लेना। हाँ लूट लेना साले को। ये तो सवाल के जाना। हेराम। अरे बाप रे, तो वो ही है हेराम। अरे पुलिस वाले को उड़ाया तूने सर पर क्या रे हेराम। ए छोटे ए छोटे जो करना यहाँ सेटल क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जो लेने देने की बात यहाँ खत्म कर दिया। लेने की बात कर रहे बड़े उजाले। हाँ हमारी जिंदगी से दूर जा रहे बड़े उजाले, दूर जा रहे उसकी जिंदगी से यार। दिखा नहीं दे रहा कोई, उसे कुछ दिखा नहीं दे रहा यार। बड़े बोल जा रहे भाई। नहीं 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 जा रहा नहीं छोटे, ये जा रहा है सर। ये पैसा ले, इसे हॉस्पिटल ले जा, हॉस्पिटल ले जा। ये ठीक है, डॉक्टर की फीस कौन देगा? ले जाते हैं भाई, हम देते हैं। अरे ये तो डॉक्टर का था, दवाई का कौन देगा भाई? दवा का कौन? अरे भाई हमारे पास इतना ही है, बाकी नहीं। अंगूठी असली है, उतारिए। ये भी असली है भाई। गाड़ी उतारो भाई। गाड़ी उतार, गाड़ी उतार। आप नेकलेस उतारिए। ठंडी लग रही, कोटवा उतार लो। इन्हें ठंडी लग रही, कोट उतारिए, कोट उतारिए, कोट उतारिए। बड़ा सर दर्द कर रहा, सर दर्द कर, टोपी टोपी। अरे सर दर्द कर रहा, टोपी दीजिए, टोपी दीजिए। ये लो टोपी टोपी। अरे ये क्या है? सर ये कार की चाबी। इधर ला भाई, इसे उठा के अस्पताल कैसे ले जाऊंगा मैं? ये तो एक बात है, गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी में जाएंगे हम, आजा छोटे बेटा। ये भाई साहब हट जाएंगे तो गाड़ी चढ़ा देंगे हम। बड़े हम लोग के पास पैंट भी नहीं है। पैंट भी कहाँ?